वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक देता हूं। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पिंटरेस्ट का मॉड्यूल बताऊंगा कि पिंटरेस्ट के ऊपर अपने पिंस कैसे क्रिएट करनी है और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं इन पिंस को क्रिएट करके। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी रिसीव होता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को अपने वेबसाइट की जो पिन होती है ना, वो क्रिएट करने का मेथड वैसे बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले पहले क्या करना है, जब आप अपने पिंटरेस्ट पे अकाउंट पे जब लॉगिन होंगे, आप अपने मतलब जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो उस अकाउंट से जब आप लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड सामने नज़र आएगा, जो आपको कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे सेटिंग वगैरह, और राइट साइड पे आपको एक प्लस का निशान नज़र आएगा। प्लस का एक सैम्पल आपके सामने ये है वाला प्लस का आपको नज़र आएगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरह दो ऑप्शन नज़र आएंगे, गेट आवर ब्राउजर बटन ये, और लिखा होगा नीचे क्रिएट अ पिन। आपने क्या करना है, क्रिएट पिन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस तरह एक डैशबोर्ड नज़र आएगा, आपके सामने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एड योर टाइटल, और उसके नीचे आपको टेल एवरीवन व्हाट योर पिन इज अबाउट, उसके बाद ऑल टैक्स हो गया, और यहाँ पे आपने कुछ इमेज देनी, यानी टोटल पिन क्रिएट करने के लिए आपने चार चीज़ें देनी होंगी। सबसे पहले पहले या तो आप लोगों को अपना टाइटल देना होगा, यानी जो आप पोस्ट है जिस पोस्ट को आप रैंक करवाना चाहते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, आपने उस पोस्ट का टाइटल इधर देना है। उसके बाद उस पोस्ट के बारे में, जो पोस्ट किस चीज़ के बारे में, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आपने इधर लिखनी है। और उसके बाद नीचे जो आपका कीवर्ड होगा, जो आपने आपके पोस्ट जिस पोस्ट के साथ रिलेटेड ही, वही आपका जो ऑल टैक्स है, जो आपका टाइटल है, उस टाइटल को आपने ऑल टैक्स में लगाना है, और पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है। तो सोचो सबसे पहले पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, पिक्चर का जो साइज़ है ना पिंटरेस्ट का, वो इतना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके सामने 1500, यानी पिंटरेस्ट की जो इमेज का साइज़ होता है ना वो 1000 × 1500, यानी ये इसका पिंटरेस्ट का पिन का साइज़ होता है। तो इस साइज़ को आप पिंटरेस्ट का जो पिन होता है उसको पिन बनाने का तरीका कैसे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, कैनवा पे जाना है, आपने कैनवा पे अपना अकाउंट बनाना है अपना जीमेल से, और ये अकाउंट होता है नॉर्मल दोस्तों अपने जीमेल से लॉगिन होगा। अब मेरी एक जीमेल है जिस जीमेल से मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही मेरी जीमेल है। तो बस उधर आप जब जीमेल पे अपना लॉगिन होंगे, मैं यहाँ पे आपको लॉगिन का मेथड बता देता हूँ कैनवा के ऊपर। यहाँ पे मैंने साइन आउट कर दिया ऑलमोस्ट, अब आपके सामने साइन आउट हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि लॉगिन हो जाऊँ। अब आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है लॉगिन विद गूगल, अब मैं अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन होने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं ये लॉगिन बटन क्रिएट कर दिया। अब दोस्तों आपको कुछ टाइम लगेगा, अब ये देख सकते हैं दोस्तों मैं लॉगिन हो चुका हूँ कैनवा के ऊपर, अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च बार पे अपना क्लिक लाना है और यहाँ पे लिखना है पिंटरेस्ट आपने लिखना है। जैसे आप पिंटरेस्ट लिखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पिंटरेस्ट पिन 1000 × 1500, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक पे क्लिक करना है। क्रिएट अ ब्लैंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड सामने आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, पिन क्रिएट करनी है अपनी, वही पिन आपने क्रिएट करनी है जो कि पिन आपको आपने अपनी वेबसाइट के लिए, मतलब जो पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर आप अपनी पिन बनाने जा रहे हैं, वही पिन आप जो यहाँ पे आप इमेज देंगे इसके लिए अपने कैनवा के ऊपर आपने पिन क्रिएट करनी है। तो आपके सामने इस तरह एक ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपने पहले अपलोड की तरफ जाना है, जो आप इमेज लगाना चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर, जो इमेज आप लगाना चाहते हैं उस इमेज को आपने क्या करना है, अपलोड करना है। और यहाँ पे दोस्तों ये इमेज मैं लगाना चाहता हूँ, मैं इस इमेज को पहले अपलोड करूँगा। अभी अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगी दोस्तों, जैसे ये जो लिजर्ट वाली, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी, मेरी वेबसाइट बायोलॉजी के रिलेटेड है। अब इस लिजर्ट वाले जो इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ से
इंटर करवाऊंगा और यहाँ इस बॉक्स में लाऊंगा और ये पिन फिर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने ये मैंने क्लिक किया और इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इस इमेज को अपने मतलब जो मैं साइज रखना चाहता हूँ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा करके ताकि पिन यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे टैक्स ऐड करना चाहता हूँ ताकि मेरी पिन और अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। और टैक्स क्योंकि टैक्स लाजमी है, टैक्स ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप्स ऑफ लिजर्ड इन टेक्सास टू रीड मोर क्लिक। सॉरी दोस्त, अब मैंने ये कुछ यहाँ पर आपसे टैक्स दे दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसला बना रहा था, मुझे टाइप्स ऑफ, अब ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि साइज में जरूरी जो आपके सामने टैक्स है ना थोड़ा खूबसूरत लगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये एक पिन क्रिएट हो चुकी है आपके सामने ऑलमोस्ट। अब इस चाहे तो आप इस टैक्स को कलर भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी कलर आप देना चाहें। अब मैं थोड़ा सा अच्छा सा कलर देता हूँ। आपके सामने मैंने टैक्स को कलर दे दिया। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर बॉक्स का निशान आपको नज़र आ रहा है, अपने इधर क्लिक करना है और चाहें तो डायरेक्ट आपके पिंट्रेस्ट के साथ ये कनेक्ट भी कर सकते हैं और ये पिंट्रेस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। अब आपके सामने ये जो ऊपर वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, आपने इधर क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर और ये पिन आपकी डाउनलोड हो जाए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों मेरी ये पिन डाउनलोड हो रही है और ऑलमोस्ट मेरी पिन डाउनलोड हो चुकी है। आपके सामने ये डाउनलोड हो रही है और ये डाउनलोड ऑलमोस्ट हो चुकी है। यस, अब ये दोस्तों डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ अपने पिंट्रेस्ट अकाउंट की तरफ और यहाँ पे मैं ये पिन जो मैंने अभी डाउनलोड की है ये ऊपर पड़ी हुई है, ये यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। आपको नज़र आ रहा है दोस्तों मेरी पिन जो है वो आ चुकी है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसके बाद इसको टाइटल दूंगा। अब चूंकि मेरी जो मैंने पोस्ट लिखी थी आपके सामने ये वाली पोस्ट है, इस पोस्ट का जो टाइटल था मैंने वो यहाँ पे अब लगा देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब उसके बाद ये जो मेरी मतलब मैंने जिस चीज़ के बारे में मैंने लिखा है ये है किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में मत इसके बारे में लिख दूं कि इंट्रो जिसको हम कहते हैं। मैंने अपना कुछ पैराग्राफ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऑल टेक्स्ट में अपनी वही कीवर्ड देना है, अपनी कीवर्ड जो आपका मेन टाइटल है वही अपने कीवर्ड देना है यहाँ पे ऑल टेक्स्ट। ये ऑल टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा मसला रहा, ये जी एल टैक्स मैंने दे दिया, इसका एल टैक्स भी हो गया। अब उसके बाद लास्ट में अपने क्या करना है, उसी चीज़ का आपने कॉपी करना है जो यूआरएल होता है, यूआरएल आपने डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये यूआरएल भी आ चुका है दोस्तों। और इसके बाद जो एल टैक्स होता है वो भी मैंने दे दिया। उसके अलावा जो लास्ट में दोस्तों ये तो बहुत ही अजीब काम हो गया, मेरे रिजल्ट कॉपी पेस्ट हट चुका है वापस। चलो कोई मसला नहीं, मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। ये हो गया क्रिएट। यस, पहले पहले मैं यहाँ पे इसका यूआरएल दे देता हूँ। यहाँ पे यूआरएल मैंने दे दिया,
यूरल के साथ इसका कुछ जो एल टैक्स में मैंने देना था वो कीवर्ड अपना वो दे दिया कीवर्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका अपना मेन कीवर्ड और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसकी बीच में टेल एवरीवन व्हाट इट बीन अबाउट, ये पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अब उसके बाद आप चाहें तो इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद और मेन चीज़ दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं यहाँ पे कि आपने जब अप जिस जो सा आपने बोर्ड क्रिएट किया होगा ना कि आप कैटेगरी सेलेक्ट की होगी, सबसे पहले पहले आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप इसको किस कैटेगरी में सेव करना चाहते हैं। आप मेरी कैटेगरी बायोलॉजी है तो मैं बायोलॉजी में इसको सेव करना चाहता हूँ। यानी अगर आपसे आपकी जो पिन है आप पिन आपकी जो पोस्ट है वो किसी सेलिब्रिटी के थ्रू है यानी कोई ड्रामा के ऊपर यानी जिस चीज़ कैटेगरी के ऊपर होगी आपने उसी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी वहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से अपनी अपनी जो पिन थी वो मैंने सेव कर दी ऑटोमेटिक तरीके से। तो दोस्तों इसलिए मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद है तो कहने आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सो इस तरीके से जो पिन क्रिएट करने का तरीका होता है ना वो बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस सिर्फ आपने कैनवा पे जो मैंने आपको तरीका बताया वहाँ से अपनी इमेज क्रिएट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक लिंक पोर्शन है ये लिंक वाला जो बटन है मतलब जगह है यहाँ पे अपना लिंक देना है अपने आर्टिकल का, और बीच में अपने इधर अल्ट टेक्स्ट में अपने वही कीवर्ड देना है जो आपकी अपने पोस्ट का कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हैं जिस पे आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने मेन टाइटल में भी वही कीवर्ड देना है जो आपकी पोस्ट का टाइटल है, और लास्ट में आपने क्या करना है बस वहाँ से पिन को आपने जो बोर्ड था आपने उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आपने क्या कर देना है सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी जो पोस्ट और आपकी जो पिन होगी वो सेव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मज़ीद